हमने अपनी 5 सीरीज लगा रहे भाई, 2010 मॉडल है 530D, तो अपन देखेंगे इसका मेंटेनेंस वगैरह क्या रहता, माइलेज वगैरह का बात अपन आखिरी में करेंगे। चलो अभी ड्राइव पे जाके आएंगे, चलो लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। व्हाट्सअप गाइस, अपन आज BMW चला रहे, 530D मॉडल है ये, 2010 मॉडल है। सो 530D इज़ द इनलाइन सिक्स सिलेंडर इंजन जो है अपना BMW का। BMWs आर नोन फॉर देयर इनलाइन सिक्स सिलेंडर इंजन। सो दिस बेबी कम्पीट्स विथ जो अपनी ऑडी A6 हो गई, ई क्लास हो गई, जैगुआर की XF हो गई, सो मिड साइज सेडान जो बोलते हैं अपन, मिड साइज सेगमेंट, तो उससे कम्पीट करती है गाड़ी। एंड कमिंग टू द स्टेयरिंग फीडबैक, हाँ स्टेयरिंग फीडबैक इसमें, दिस कार इज़ फुल ऑफ फीडबैक। जैसे अपन बात कर रहे थे ऑडी A6 का भी, ऑडी A6 जो है बैलेंस देती है, मर्सिडीज़ का थोड़ा नम रहता स्टेयरिंग स्टार्टिंग में इनिशियली, बट जैसे जैसे आप फीडबैक आते रहते हैवी रहता, बट जो इसमें आपको स्टेयरिंग मिलता इज़ हैवी एज वेल एज फुल ऑफ फीडबैक, तो आपको मज़ा आएगा चलाने में गाड़ी ये सिटी और हाईवे पे। एंड या गाइस, एज आई ऑलवेज से कि डरो मत ये गाड़ी लेने से, आप ये गाड़ियाँ जो हो गई ऑडी A6 हो गई, ई क्लास हो गई, BMW 5 सीरीज हो गई, तो आप डरो मत ये गाड़ी लेने से। अपने सर्विस स्टेशंस है, अपने यू नो पार्ट्स है, आपका अगर गॉड फॉरबिड एनी पार्ट फेल हो गया, कोई पार्ट आपका फेल हो गया, तो अपने पास वो पार्ट्स है। एंड कमिंग टू द सर्विस स्टेशंस, वी ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसिंग, आपको पूरा सर्विस करके देते भाई गाड़ी। एंड यू शुड एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस कार, आपका अगर बजट है 8 to 12 lakhs के बीच में आपका बजट है, आप एक साल लिए BMW चला के जाओ, नेक्स्ट ईयर आप यू कैन एक्सचेंज इट विद एन ऑडी A6 और ई क्लास जो हो गई अपनी, इफ यू आर लुकिंग फॉर कम्फर्ट डिपेंडिंग अपॉन योर स्टाइल। चलो अभी अपन इसके सर्विस और मेंटेनेंस का बात कर लेंगे। गाइस वी आर बैक, अपन 5 सीरीज चला गया है अभी, 2010 मॉडल है वही है 530D, अपन देखेंगे इसका सर्विस मेंटेनेंस क्या रहता। इट स्टार्टेड इसका जनरल सर्विस भाई, और एवरी 10,000 किलोमीटर योर जनरल सर्विस कॉस्ट विल कम आउट टू बी 15,000 rupees भाई, ओके 15,000 rupees का आपका जनरल सर्विस होता, डीजल फिल्टर चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर, पूरा जो आपका जनरल सर्विस रहता टॉप अप वगैरह 15,000 rupees में होते, ओके। मूविंग ऑन टू इसका ब्रेक पैड, ब्रेक पैड विल कॉस्ट यू अराउंड 13,500 rupees भाई, 13,500 rupees में आपका एक ब्रेक पैड आता, ईच ब्रेक पैड विल कॉस्ट अराउंड 13,500 rupees के ब्रेक पैड है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द इसका बैटरी, जैसे अपन पहले के कारों में करे, ऑडी A4 हो गई, 3 सीरीज हो गई, 100 amp hour की बैटरी चलती भाई, एमरन ले रहे, एक्साइड ले रहे, 15,000 rupees की बैटरी रहती, 15,000 rupees, ओके। और लास्टली कमिंग टू द टायर, 225/55R 17 inches के टायर है भाई, तो इस टायर की कॉस्ट अराउंड 17,500 rupees, डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ब्रिजस्टोन ले रहे, MRF ले रहे, कॉन्टिनेंटल ले रहे, थोड़ा ऊपर नीचे होता है भाई, 17,500 rupees का एक टायर आता है आपको, ओके। गाइस दैट वाज द मेंटेनेंस। नाउ कमिंग टू द माइलेज, इट गिव अस अ माइलेज ऑफ 8 to 9 इन सिटी, और हाईवे पे मैक्स टू मैक्स 11-12, उससे ज़्यादा नहीं देती है गाड़ी। तो यार गाइस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ यूज्ड 530D, आप 5 सीरीज लेना चाह रहे हैं यूज कार मार्केट में, सो कम टेक अ लुक एट दिस कार, 2010 मॉडल है 530D, एंथुसियास्ट में फेमस है गाड़ी 5 सीरीज, एंड आप देखो आके गाड़ी कैसी है, 1 lakh kilometer चली हुई है। इफ़ यू आर हैविंग अ बजट ऑफ 8 to 12 lakhs का बजट है भाई आपका, आप आके देखो ये गाड़ी कैसी है, आई बी ड्रॉपिंग माई कॉन्टैक्ट, इधर आ रहा हूँ मैं मेरा कॉन्टैक्ट। एंड यार गाइज, इफ यू नॉट वॉच माई अदर वीडियोज, आप वो भी जाके देखो, आपका आपको एक सर्विस और मेंटेनेंस का एक आइडिया हो जाता कि गाड़ियों का मेंटेनेंस क्या रहता। चलो सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग, चीयर्स, यो।